आईफल टावर है और ये पीसा की झुकी हुई मीनार है, आप वहाँ देख सकते हो वो ताजमहल है। ऐसे ही सारे पूरे 7 वंडर जो कि वर्ल्ड में है, जो 7 देखने के अजूबे हैं, वो यहाँ पर इनके डमी बनाए गए, इनके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो एक एक से आपको रूबरू कराते हैं और मेरे को कितना समझ आता है वो बताता हूँ आपको। और जो आप मेरे पीछे जस्ट देख रहे हैं ये कोलेजियम है, मतलब ये अलग ही एक अपने आप में, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि क्यों फेमस है। वैसे आप इसका स्ट्रक्चर अगर गौर से देखोगे तो अंदर से देखो पूरा विंड ब्लास्ट जैसा दिख रहा है, मतलब चारों तरफ से ओपन दिख रहा है, फिर भी अपने आप में एक महल टाइप में है। और ये 10वीं 11वीं सदी के करीब बना है, मैंने आपको दिखाया भी होगा जहाँ लिखा हुआ, तो आप वहाँ पहुँच करके भी पढ़ सकते हो, तो वो एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अभी आपको देखो मैं पीसा की झुकी हुई मीनार दिखाता हूँ, ये देखो। तो पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा बोला जाता है कि ये एक साइड झुकी हुई है, मतलब जब इसको बनाया गया तो उसके कुछ सालों बाद में झुक गई, और जब ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, तो इसको देख के और भी इंटरेस्टिंग लगता। तो ये भी रियलिटी जैसे फील दे रही, क्योंकि अपन तो वहाँ गए नहीं, तो उसको देख के और उसको देख के जब ओरिजिनल लगा, क्योंकि मैंने ताजमहल देखा था वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा फील कर रहा है। तो जो रियल वाली पीसा की मीनार है वो तकरीबन 118 मीटर ऊंची है और 5 मीटर उसका झुकाव, 200 साल उसका मतलब चला था काम, वो लड़ाई युद्धों की वजह से। तो वो आपने मैंने आपको दिखाया भी है, तो आप पहुंच करके पढ़ सकते हो। और ऐसा कुछ ओवरव्यू दिखता भाई सामने से, और यहाँ ऊंट बना रखा है राजस्थान के आन बान शान, तो उसको भी दिखाया गया, तो अपने आप में बहुत प्यारा नज़ारा। और भाई ये है ताजमहल, मतलब इसको तो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पीस है आर्किटेक्चर का। और उसका डेमो यहाँ बनाया तो भाई एकदम ओपी डेमो है, क्योंकि मैं ताजमहल घूमा हुआ हूँ तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा रियलिटी वाली फीलिंग आ रही है। बस इसकी हाइट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है, और जहाँ तक मैं घूम पा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, पीछे पता नहीं इन्होंने क्यों चादर लगाई, मैं भी यहाँ एंटर करने का साफ़ सफाई के लिए, और ऊपर इसमें भी नहीं जा सकते और उसमें भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें तो वो एक्स्ट्रा पैसे दे के आप जा सकते हैं बिना जूतों के वो सब करके। तो ये भी अपने आप में बहुत आर्किटेक्चर का भाई एकदम बेस्ट लाजवाब चीज़ है। और यहाँ जितने भी जो आपने चीज़ें देखी है वो वर्ल्ड के 7 वंडर हैं, और इनके अपने अपने बहुत अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आप वो देख रहे हैं, वो बताओ कितनी प्यारी चीज़ है ये पीसा की मीनार, बताओ 200 साल बनने में इसको लगे हैं और फिर 5 डिग्री झुकी हुई गिरी नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जो आप आईफल टावर देख रहे होंगे अभी, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, रात का टाइम है, और वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टावर है। कितना ही प्यारा आर्किटेक्चर इन लोगों ने बनाया हुआ है, और इसको बनाने में मतलब ऐसा नहीं कि इसका कॉपी बनाना भी ईजी है, कॉपी बनाना भी उतना ही हार्ड है, लेकिन बहुत सही लग रहा है ये, मतलब ताजमहल वन ऑफ द बेस्ट, मे बी वाइट कलर है इसलिए, लेकिन बहुत सही लग रहा है। और ये मिस्र के पिरामिड, जिनका मतलब ऐसा बोला जाता है कि मम्मी लोग होते थे जो पहले 2-3 हज़ार साल पहले, उनको इसमें दफनाया जाता था, ऐसा आज का लॉजिक चल रहा है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ वो आपको बता देता हूँ, मतलब गीज़ा का शहर मिस्र ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और इसमें विशेषता की एक भुजा के, मतलब इतना स्ट्रॉन्गली इसको बनाया गया है, 137.16 मीटर जो ओरिजिनल होता है, और लंबाई 12 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर के करीब होता है। ये मे बी ये यहाँ का लिखा है इसमें, लेकिन ये ओरिजिनल ऊपर लिखा गया है। और ये देख सकते हो भाई आप, मतलब ये ओरिजिनल में इतना भी होता है, इसका लॉजिकली ऐसा बोला जाता है इसके ऊपर ना प्लेन से चढ़ सकते हो और पैराशूट से चढ़ सकते हो, और वो सब जो ओरिजिनल होता है उसमें आप बहुत इसमें अलग अलग चीज़ें देखेंगे। वहाँ भी एंट्री है उसके अंदर, वो इतना बड़ा है कि वहाँ विजिटर लोग जाते हैं मिस्र के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत, मतलब जहाँ जहाँ मैंने आपको एक्चुअल साइज़ बताई है वो है, और ये इसके डमी बनाए गए हैं, तो ये भी बहुत सही चीज़ है। ये इशाना, ये क्या है? मुझे नहीं। तो इशाना के हिसाब से वो जो इसने रेड पकड़ा हुआ है ये जो गोल्ड कलर का, मतलब ये किताब लेके ये कबूतर को खाना खिला रहा है, तो बेसिकली ये लॉजिक है इशाना का। तो ऐसा ही पहली बार कोई बच्चा देखेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 46.5 मीटर समथिंग ऊंचाई पर है, तो ये वर्ल्ड में पहले टॉलेस्ट हुआ करती थी, उसके बाद में एक दो बनी, अभी अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो टॉलेस्ट स्टेच्यू अभी तक का, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो
तो ये पहले हुआ करता था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। शायद ये न्यूयॉर्क में, अब मे बी आई एम रॉन्ग, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत हूबहू ओरिजिनल बना रखा, तो बहुत सही लग रहा है। वो आईफेल टावर हम बता ही दिया मैंने, दो तीन बार उसको रिपीट कर दिया, और अभी पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। देखो ये स्टेच ऑफ लिबर्टी, आईफेल टावर, फिर वो है कोलम्बियस, और फिर वो पीसा की झुकी हुई मीनार, और फिर वो स्टेच्यू है, और फिर वो ताजमहल, और ये पिरामिड। तो ओवरऑल 7 वंडर हो चुके हैं। अगर इसको कट कर देंगे तो आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंच जाएंगे, तो एक ही बात है ऑलमोस्ट। और अभी मैं जो आईफेल टावर जो बनाया हुआ है स्ट्रक्चर उसके अंदर हो गया, एक बार टच करके देखते हैं कि ये भी मेटल ही है या कुछ और है। तो भाई लग तो मेटल जैसा ही रहा, लेकिन ये मेटल है नहीं एक्चुअल में, कुछ पत्थर टाइप कुछ चीज़ें बनाई गई है, हमें भी कार्बन फाइबर जैसी कुछ चीज़ हो। कार्बन फाइबर तो वैसे महंगा आता है, लेकिन ये कुछ और ही मटेरियल है, तो एक्चुअल में लोहा नहीं है, कुछ अलग चीज़ है। और ऊपर तक आप देख सकते हो भाई, क्या प्यारी चीज़ है।